तो दोस्तों मोमोटो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। Hi guys, Speak Mohammed and you are watching my YouTube channel Mohammedo. तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ अलग और उसमें हम करने वाले हैं मेरी स्कूटर का डैशबोर्ड चेंज। जैसे कि हमारे एक्टिवा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि ये खराब हो जाता है अक्सर, तो मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले भी बनाया है, आपको यहाँ पे लिंक आ रही होगी तो जाके वो वीडियो देखिए कि अगर आपको यही रिपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फिटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा पीस लेके आया है अपने स्कूटर में लगाने के लिए, और अगर आपको पता करना है कि मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया, तो वापस यहाँ पे ऊपर एक लिंक आ रही होगी मेरे ब्लॉग की, ये खरीदते हुए मैंने ब्लॉग किया है तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने कहाँ से और कितने में लिया है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं। आपको खोलने का प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका है, तो बार बार एक ही चीज़ बता के मतलब नहीं है। तो आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको मान पड़ जाएगा खोलने का प्रोसीजर क्या है। पहले इसे सारे वायर से डिस्कनेक्ट कर लीजिए तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। हाँ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो स्पीडोमीटर में 3 स्क्रूज होते हैं ये भी डैशबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं, तो आपको वो भी निकालना होगा। एक यहाँ होता है, एक यहाँ और एक बीच में होता है। फिर आपको यहाँ पर भी स्क्रूज मिलेंगे, इसे भी खोल लीजिए। तो इसमें से आप सब बटन्स निकाल लीजिए। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि हमारी सारी बटन्स को डिस्कनेक्ट करना है, तो चलिए करते हैं। तो हमारा ये पुराना डैशबोर्ड बाहर आ चुका है, तो अब हमें इसमें से इसकी सारी बटन्स निकालना है और उस वाले में इंस्टॉल करना है। तो एकदम आसान तरीका बताता हूँ ये बटन्स निकालने का, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, कुछ इससे लड़ना नहीं, खाली यहाँ पे आपको दो पिन दिखेंगे उसको ऐसे दबा देना स्क्रू से, उसको दबा के इधर से पुश करिए, फिर दूसरे साइड पर भी दबा कर उसे ऐसे पुश करिए और ये बाहर आ जाएगा। इसे यहाँ से दबा कर, यहाँ से दबा कर ऐसे पुश करिए और इसे यहाँ से ऐसे दबा कर पुश करिए और बीच में एक बार पुश कर दीजिए, बाहर आ जाएगा। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं हमारी बटन्स इस नए वाले में। नया नहीं एक्चुअली, मतलब सेकेंड हैंड ही है ये, लेकिन अच्छी कंडीशन में है बहुत। तो हमारी सारी बटन्स रेडी है, तो चलिए इसे जाके इंस्टॉल करते हैं। बटन लगाते हुए आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि आपको मतलब आप अगर इसे ऐसे घुसाने के जाए ऐसे डाल देंगे तो नीचे अंदर बटन में डैमेज हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन है और आपको अंदर भी ऐसी दो लाइन दिखेगी, उसके अंदर भी आपको दो लाइन दिख रही होगी ऊपर शायद, इधर और इधर, तो उसे लाइन से लाइन मैच करके फिर लगाइए। काम आज का पूरा हो चुका है, डैशबोर्ड अच्छे से फिट हो चुका है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी और आपको नेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम पे ला सकूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोमोटो।